सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों, अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र की वीडियो हमने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप सभी साथी जान रहे हैं। साथियों, हमने अभी तक के अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर का भी वीडियो अपलोड कर दिया है सहायक शिक्षक के लिए। आप प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो को प्राप्त कर पाएंगे। आज के सेशन से हम फिर से शुरुआत करेंगे एक नए विषय के साथ, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र। ठीक है साथियों, कई साथी कमेंट कर रहे थे कि सर अब अगला सब्जेक्ट फिर से शुरुआत कीजिए करके, तो आज हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। आज से हमारी जो पर्यावरण की क्लासेस है दोस्तों, वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो पर्यावरण की क्लासेस आज से ही आप लेना शुरू कर दें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। तो साथियों, ये जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2022 पर आधारित हस्तलिखित नोट्स, अर्थात मैंने स्वयं इस नोट्स को बनाया है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र के लिए, बहुत ही उपयोगी, क्योंकि हमारे द्वारा ही ये जो नोट्स है निर्मित किया गया है, तो जो कि आपके लिए भी बेहतर है। साथियों, सहायक शिक्षक के लिए मैंने स्वयं इसी नोट्स को पढ़ा है। यदि आप इस नोट्स को खरीदना चाहते हैं पीडीएफ कॉपी में, आपको सिर्फ 80 रुपये शुल्क के साथ ये नोट्स प्राप्त हो जाएंगी। यदि आप लेना चाहते होंगे तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। साथियों, तो चलिए क्लासेस शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि पर्यावरण अध्ययन जो शिक्षण शास्त्र है, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सहायक शिक्षक की सिलेबस है। ठीक है, अब ये सहायक शिक्षक के सिलेबस में पर्यावरण कितने टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो 8 इकाई आपको पर्यावरण में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 8वां इकाई है आपका पारिस्थितिक तंत्र से जुड़े। इसके अलावा आपका जो शुरू इकाई है, स्वयं के पर्यावरण को समझना, ये 8 इकाई आपको एक एक करके वीडियो मिलती रहेंगी। साथियों, बिल्कुल निशुल्क वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराने वाले, कोई फीस, कोई शुल्क आपको वीडियो के लिए नहीं लगेगा। यदि आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आपको उन्हीं के लिए फीस देना पड़ेगा। तो चलिए आज की जो सेशन है शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो टॉपिक है साथियों, इकाई 1, स्वयं के पर्यावरण को समझना। पर्यावरण, स्वयं के पर्यावरण को समझना, अर्थात स्वयं का तात्पर्य यहां पर एक बालक से है। साथियों, याद रखना, ठीक है, स्वयं से यहां पर एक तात्पर्य बालक से। अब बालक के पर्यावरण, अर्थात बालक स्वयं अपने पर्यावरण को कैसे समझता है, किस नजरिए से देखता है, उन्हीं के बारे में हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं, इकाई 1 में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके पहले कि हम पर्यावरण किसको समझें, आसपास के, ठीक है, उसके पहले हमें यह भी समझना आवश्यक है साथियों कि पर्यावरण होता क्या है, है ना। अब पर्यावरण होता क्या है उनको भी हमें समझना जरूरी है। तो चलिए पर्यावरण को हम परिभाषित करने का प्रयास करें। तो देखिए, हमारे चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। देखिए, हमारे चारों ओर के सभी वातावरण, जहां तक हमारे नजरें जाती है, हम जहां तक देख पाते हैं, सभी पर्यावरण कहलाता है। परि का अर्थ है चारों तरफ, आपने 10वीं 12वीं में पढ़ा होगा, परि का अर्थ है चारों तरफ, और आवरण का अर्थ है घेरा, अर्थात हमारे चारों तरफ जो घेरा है, परिलक्षित होते हैं, वो सभी क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल ही सटीक तरीके से हम समझाने का प्रयास अपने YouTube चैनल के माध्यम से करते हैं। अभी देखिए, जैविक अजैविक घटकों से निर्मित वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण में दो चीजें आती है, एक आता है जैविक घटक और एक अजैविक घटक। अब जब इन दोनों घटकों को निर्मित किया जाता है, अर्थात ये दोनों घटकों से निर्मित जब एक वातावरण की रचना होती है, तो वही क्या कहलाता है, हमारा पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए 1986 में एक अधिनियम लाया गया जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहते हैं। इस पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखेंगे जो कि 1986 में आया। तो इस अधिनियम का क्या उद्देश्य है उसको भी आप समझें। तो पर्यावरण किसी जीवों के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाओं व उनके स्थान अंतःक्रिया की गतिविधियों को शामिल करता है। देखिए पर्यावरण में क्या क्या शामिल है, तो किसी जीव के चारों तरफ घिरे हुए भौतिक और जैविक दशा तथा उनके बीच में जो परस्पर अंतःक्रिया होता है, उन तमाम चीजों को पर्यावरण में शामिल किया गया है और इन्हीं का संरक्षण करना जरूरी है जिसके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया 1986। ठीक है साथियों, पर्यावरण के बारे में आप समझ गए। अभी देखिए पर्यावरण के घटक, अब पर्यावरण के तीन घटक है साथियों, ठीक है, पर्यावरण के तीन घटक हैं। अब ये क्या क्या घटक हैं उनको भी आप देखिए। पहला तो है आपका भौतिक या अजैविक घटक, दूसरा निकल कर आता है जैविक घटक, और यहां पर तीसरा निकल कर आता है ऊर्जा संघटक। ठीक है, तो भौतिक और जैविक घटक, भौतिक या अजैविक घटक, जैविक संघटक और ऊर्जा संघटक, अब ये तीन चीजें हैं। तो सबसे पहले यदि हम इनमें देखें साथियों, भौतिक या जैविक घटक होता क्या है, तो देखिए यहां पर भौतिक या अजैविक घटक होता क्या है। अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत देखिए भौतिक या अजैविक, इसमें जल, वायु, स्थल, खनिज तत्व आदि को शामिल किया गया है। ठीक है, भौतिक घटक या अजैविक घटक में जितने भी जल, वायु, स्थल, खनिज तत्व इत्यादि को इसमें शामिल किया गया है। और जैविक घटक में जैविक अर्थात नाम से स्पष्ट है दोस्तों, जीव जंतु। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे, जल जंतु, है ना, अर्थात जिसमें वृद्धि होती है, जिसमें जीवन होता है, उन तमाम चीजों को जैविक घटक में रखा जाता है। ठीक है साथियों, जैसे सूक्ष्म जीव हो गया, पेड़ पौधे, जंतु आदि, ये सभी क्या है, जैविक घटक, जैविक संघटक के अंतर्गत आते हैं। अभी ऊर्जा संघटक की बात करें तो इसमें सौर ऊर्जा तथा भूतापी ऊर्जा आते हैं। ठीक है, अब ऊर्जा संघटक में सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ये सभी क्या है, ऊर्जा संघटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बेसिक सी नॉलेज है, बिल्कुल आप याद रखेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। ठीक है, इतना काफी है, इतना साथियों। पर्यावरण के घटक में तीन घटक आप याद रखेंगे, भौतिक या अजैविक, दूसरा जैविक और तीसरा ऊर्जा संघटक। ठीक है, इसके भौतिक में जल, वायु, स्थल, खनिज आदि आते हैं, जैविक में जीव जंतु, पेड़ पौधे आते हैं, और ऊर्जा में सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा आते हैं। ठीक है, बिल्कुल 30 सेकंड में पर्दाफाश कर देंगे हम इनकी तमाम जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है। अभी देखिए, अभी हमने पर्यावरण के घटक देखा, अब हम देखें पर्यावरण के प्रकार। ठीक है, पर्यावरण के कितने प्रकार हैं, तो देखिए पर्यावरण की जब हम प्रकार के बारे में चर्चा करें तो दो प्रकार को हम ज्यादा विस्तृत तरीके से समझते हैं। क्या है, एक तो होता है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा होता है मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण जिसका निर्माण स्वयं हुआ है, प्रकृति के माध्यम से स्वयं हुआ, और मानव निर्मित जिनको मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये दो चीजें जो कि आप समझ रहे होंगे, प्राकृतिक अर्थात जो स्वतः निर्मित हुआ हो, और मानव निर्मित अर्थात आर्टिफिशियल जिसे मानव ने बनाया हो। ठीक है, अब प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन सी चीजें आती है, तो देखिए प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत तीन चीजें शामिल है, जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत तीन चीजें को शामिल किया गया है, जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। जबकि मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत हम आए आर्टिफिशियल जो इन्वायरमेंट के अंतर्गत आए साथियों,
तो इसमें मानव निर्मित जितने भी वस्तुएं हैं, देखिए मानव द्वारा निर्मित परिदृश्य, मानव निर्मित पर्यावरण है, जैसे इसमें फसल उत्पादन करना, व्यापार वाणिज्य का विकास, औद्योगिक क्रांति, परिवहन इत्यादि के अंतर्गत ये जो चीजें आती है वो क्या है, आपका मानव निर्मित है। ठीक है, फसलों का उत्पादन भी मनुष्य द्वारा होता है, औद्योगिक क्रांति, उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के परिवहन संचालन होता है, ये सभी मानव निर्मित के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से ये दो प्रकार है पर्यावरण के, एक तो होती है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा होता है मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, अब इसके बाद जो चीजें निकल कर आती है वह है प्राकृतिक पर्यावरण। अब इसको और विस्तार से हम चर्चा करें। देखिए अभी हमने बताया प्राकृतिक पर्यावरण जिसका निर्माण स्वतः हुआ है, प्रकृति के द्वारा स्वतः हुआ है, प्राकृतिक पर्यावरण है। ठीक, जैसे भूमि, जल, वायु, पादप, जीव जंतु आदि ने मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का जो निर्माण है वो करते हैं। ठीक है, स्वतः। अब यह तीन प्रकार का होता है, क्या क्या, तो जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। अब इन्हीं तीन चीजों के बारे में हम चर्चा करें कि जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल होता क्या है। तो सबसे शुरू हमारा जो बिंदु निकल कर आता है वो क्या है, जलमंडल। ठीक है, सबसे जो शुरू वाला बिंदु हमारा जो निकल कर आता है जलमंडल कहलाता है। अब ये जलमंडल होता क्या है साथियों, तो देखिए संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग जल है, 3/4 भाग, इसे ही हम 71% यही है। ठीक है साथियों, अर्थात 100 भाग में 71% का जो भाग है पूरा पृथ्वी में, संपूर्ण पृथ्वी का है ना, पूरा जल से घिरा हुआ है, जल फैला हुआ है 71% भाग पर या 3/4 भाग पर। अब पृथ्वी पर जल की जो अधिकता के कारण ही इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, याद रखेंगे नीला ग्रह। अब नीला ग्रह कहने के पीछे वजह क्या है, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, जल, जल की अधिकता, और जल नीली दिखाई देती है, जल की अधिकता की वजह से ही इसे क्या कहा जाता है, नील ग्रह या नीला ग्रह कहा जाता है साथियों। ठीक है, उसके बाद देखिए संपूर्ण जल का 97.5% महासागरी जल है। अब जितने भी जल है हमारे देश में या कहना चाहिए पूरे पृथ्वी पर, तो उनका 97.5 जो परसेंटेज है वो महासागरी जल है। और केवल देखिए महासागरी जल अर्थात जो जल पीने योग्य नहीं होता है ना, पेय नहीं, अर्थात जो जल पीने योग्य नहीं है, कितना प्रतिशत, 97.5% जो भाग है पीने योग्य नहीं है, महासागरीय जल है अर्थात बहुत खारा होता है, इसको पिया नहीं जा सकता, केवल और केवल 2.5% जो जल है अर्थात केवल 2.5% जल। ठीक है, 2.5% जो जल है यही क्या है, पीने योग्य है। ठीक है, केवल हम 2.5% जल का जो उपयोग है पीने के लिए करते हैं। तो ये तो रहा जलमंडल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब इसके बाद हम आते हैं स्थल मंडल की, तो स्थल मंडल में भी कुछ न कुछ जो बिंदुएं रहती हैं, आइए हम स्थल मंडल के बारे में जानें। तो देखिए संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29% भाग स्थल मंडल है। अभी हमने देखा 71% जो भाग है जलमंडल था, अब 29% भाग स्थल मंडल है। अगर दोनों को जोड़े तो 9 + 10 = 0 = 1 + 7 = 9 = 10, टोटल हो गया 100%। ठीक है, अब संपूर्ण पृथ्वी में 71% जल है और 29% क्या है साथियों, यहाँ पर स्थल है। ठीक है, अर्थात रहने योग्य है, जहां पर देखिए रहने योग्य की बात नहीं करेंगे, यहाँ स्थल मंडल है, कहने से तात्पर्य है जहां जल नहीं है। अब इस 29% में ये सभी हमारे लिए रहने लायक ही होंगे, ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि इनमें से कई परसेंटेज में तो ऑलरेडी जंगल है ना। तो देखिए अब इसके भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले ठोस शैल पदार्थों की परतें हैं। अब जो स्थल मंडल है
उसके ऊपर में सरल पदार्थ की जो परत है बनी हुई है, ठीक है। सरल जो पदार्थ होती है उनकी जो परत है ऊपर में बनी हुई है। पृथ्वी में तीन प्रकार के मंडल पाए जाते हैं। जब पृथ्वी का जो निर्माण है वह तीन प्रकार के मंडल है, एक तो भूपपट्टी, मेंटल और कोर, ठीक है। ये तीन चीजें हैं जो कि पृथ्वी का निर्माण करता है। अब पृथ्वी के भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का जो अनुपात है 3:7 है, इसको भी याद रखें। भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है, ठीक है साथियों। अभी इसके बाद देखें वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल, जल पढ़ा, स्थल पढ़ा, अब देखिए वायुमंडल होता क्या है। तो यह विभिन्न प्रकार की गैसों का एक आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हैं। देखिए जलमंडल अर्थात जो जल वाला भाग है, स्थल मंडल अर्थात जो भूमि वाली भाग है, और वायुमंडल अर्थात वातावरण की यहां पर क्या किया जा रहा है, बात किया जा रहा है, ठीक है। वायुमंडल अर्थात यहाँ वातावरण। तो अब वातावरण जो है उसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण रहता है साथियों, ठीक है। अर्थात बहुत सारे जो गैस है उनका आवरण बना होता है जो पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए हैं या घेरे हुए हैं। समुद्र तल से 16,000 से 29,000 किलोमीटर के बीच में वायुमंडल की जो ऊंचाई है उसको मापा जाता है, ठीक है। समुद्र के जो तल है उनसे 16,000 से 29,000 किलोमीटर वायुमंडल की जो ऊंचाई मापते हैं, इसको याद रखें। यहां पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह गैस जल वाष्प तथा धूल के कण से मिलकर बना होता है। किससे बनता है? जल वाष्प, ये जो गैस है साथियों, ठीक है, जल वाष्प और धूल के कण को मिला करके ये बना हुआ होता है। तो ये तो रहा वायुमंडल बेसिक इंफॉर्मेशन। अब जो वायुमंडल की जो संरचना है वो पांच है, यहां से आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु पर क्वेश्चन, ठीक है। वायुमंडल की जो संरचना है ये जो पूछा गया क्या, यहां से देखिए सभी का नाम अंग्रेजी में भी याद रखें क्योंकि पूछा जा चुका है। सीजीटेट की जो परीक्षा हुई थी साथियों उसमें इसका नाम अंग्रेजी में भी पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप अंग्रेजी में भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो कहना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। हम आज की सेशन में इस पर चर्चा नहीं करेंगे साथियों, कल की सेशन में हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा होने वाला है। यदि आज की क्लास में हम इनको देखेंगे तो काफी जो टाइम है हमारा कहना चाहिए इसमें जाएगा और वीडियो लंबा भी हो जाएगा तो आप लोगों के लिए भी परेशानी हो जाएगी, इसलिए हम अलग अलग पार्ट में लेके चलेंगे, ठीक है साथियों। साथियों यदि आप हमारा जो नोट्स है खरीदना चाहते हैं, ठीक है, हमारी जो नोट्स है यदि आप खरीदना चाहते हैं तो CDP की नोट्स आपको मिल जाएंगी 70 रुपए में। आपको EVS की जो नोट्स है मिल जाएंगी 80 रुपए में, और आपको इंग्लिश की जो नोट्स है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में मिलेंगी, तथा गणित की नोट्स एम मैथ्स की जो नोट्स है आपको मिल जाएंगी 100 रुपए। चारों बुक को मिला करके 300 रुपए हो रहा है साथियों, लेकिन हम इसमें 10% छूट कर रहे हैं, इसलिए 270 रुपए में आप हमारे जो नोट्स है उसको परचेस कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, यदि आप हमारे जो नोट्स है खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ 270 रुपए में नोट्स को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे जो नोट्स है हैंड राइटिंग नोट्स खरीदना चाहते हैं तो जल्दी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8839। देखिए स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो हो रहा है 8839730092, ठीक है। इस नंबर पर आप कॉल करके हमारा जो नोट्स है खरीद सकते हैं। 300 रुपए की नोट्स को आपको 270 रुपए में दिया जा रहा है साथियों। जी हाँ साथियों, 10
प्रतिशत छूट के साथ हम ये नोट्स है आपको प्रदान कर रहे हैं। यदि आप ये जो नोट्स है खरीदना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। चारों विषय की जो नोट्स है साथियों आपको 270 रुपए में प्रोवाइड कराया जा रहा है। कल के सेशन में फिर चर्चा करेंगे, ये जो आज का टॉपिक वायुमंडल की संरचना है यहां से चर्चा हम कल के सेशन में करने वाले हैं। जय हिंद।